अभय ने फिर बदला अपना रूप। जी हाँ, आपको बता दे, शुभ किस्मत की लकीरों में हमें अभय के कई अवतार नजर आ चुके हैं। कभी वो चोर बन जाते हैं तो कभी बहरूपिया, और आज तो वो श्रद्धा के मौसाजी बन गए हैं। जी आपको बता दे कि दरअसल कीर्ति की पैनी नजर अभय को ढूंढ रही है, और ऐसे में कीर्ति से बचने के लिए अभय उनके मौसाजी का रूप ले लेते हैं, जहाँ पर वो एक बुढ़ा आदमी बन गए हैं और अपने ही घर में रहने के लिए आ गए हैं। दरअसल जब से अभय बब्बर शेर गैंग के लीडर है, इसके बारे में कीर्ति को पता चला है, तभी से वो अभय की तलाश कर रही है। और अभय फरार हो चुके थे, लेकिन अब उन्होंने अपना भेष बदल लिया है और वापस उसी घर में आ गए हैं। और श्रद्धा भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है। सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, बल्कि उनकी माँ भी अभय को बचाने की कोशिश कर रही है। आप सब चिंता मत कीजिए, मौसा जी की जिम्मेदारी मेरी, अब मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ श्रद्धा बेटा, तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। हमें ना चलना चाहिए, वो सक्षम जी घर पर अकेले हैं ना, तो हम चलते हैं। ये क्या कर रही हो तुम, अपने से बड़ों के साथ किस तरह पेश आते हैं? हम आप सबसे मार, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपके रिश्तेदार तो हमारे भी परिवार हैं ना। बस अभय की चिंता में हम उलझ गए थे, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। अरे पता चल जाएगा भैया, घर का बेटा घर छोड़ जाएगा कहाँ, कुछ नहीं होगा। मिर्जापुर तहसील के गांव से हैं अशोक चाचा जी, हमारी दूर की मौसी के दामाद हैं। इनकी पत्नी हमारी बहन कुछ महीने पहले इस दुनिया से चली गई, तो अब ये अपने पुराने रिश्ते निभाने चले आए हैं। वो सक्षम जी की तबीयत बहुत ख़राब है ना हमारे घर पे, इसलिए श्रद्धा इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आई है। अब वो वरुण और कीर्ति की शादी में आ नहीं पाए थे ना, इसलिए हम आप सबसे इन्हें मिला नहीं पाए। भाई साहब, अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम इन्हें, कैसी बात कर रही हैं? और सबको गुमराह करके अभय फाइनली अपने ही घर में बहरूपिया बनकर रहने लगे हैं। लेकिन अभी भी कीर्ति को कहीं ना कहीं शक है कि यह कोई मौसा जी नहीं बल्कि खुद अभय ही है। अब देखना ये होगा कि कैसे वो अभय का पर्दाफाश करती है और अभय को सलाखों के पीछे डालती है। एंड फॉर मोर सिस टेलीटाउन अपडेट, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।